अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कैफ टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की वीडियो शेयर की थी कि इसको फास्ट ट्रैक में आप कैसे कर सकते हैं, या जब पीछे आपके पास तकरीबन 2 मंथ रह गए हैं उसमें आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कमेंट सेशन में कि सर हमें कैफ 3 बिज़नेस लॉ, कैफ 4 BMBS एंड अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के हवाले से भी इस तरह गाइड कर दें। तो आज की वीडियो जो हमारी होगी वो होगी कैफ 3 के लिए। कैफ 3 को बाकी रिमेनिंग टाइम में आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो अगर आपके लेक्चर कंप्लीट हैं, आपने लेक्चर लिए हुए हैं सारे, किसी भी जिसमें आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या मेगा लिंक से पढ़ रहे हैं, अगर तो आप लोगों के लेक्चर हैं कंप्लीट, तो फिर इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका होगा। एक पहले हम ये बात करेंगे, दूसरे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हैं और उनको अब कैसे कवर करना है और उनको याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिज़नेस लॉ में आपको भी पता है 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें एम लॉ का पोर्शन है और सी लॉ का पोर्शन है। अब सी लॉ ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, मतलब उसको उसमें जो है वो ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं ज़्यादा नहीं आते, लेकिन एम लॉ में बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेपर इक्वल आएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एम लॉ वाले पोर्शन में, उनमें आते हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनसे जो क्वेश्चन आता है वो सिनेरियो बेस ही आएगा, स्टोरी बेस। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होता केस स्टडी क्या होता है, सिनेरियो बेस क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, यार उसमें ना आपको एक स्टोरी बताई जाती है, 5-6 लाइंस की स्टोरी होती है, उसको पहले समझना पड़ता है, फिर आई कैप क्या रिक्वायर कर रहा है आप लोगों से वो उसको बताना होता है। सेकंड, अब अगर हम देखें तो बाकी चैप्टर्स क्या करने चाहिए, यार आपको सबसे पहले चाहिए कि ग्रिड देखें किन चैप्टर्स को आई कैप ज़्यादा अपने पेपर में फोकस करता है, ठीक है। अब इसमें मोस्टली जो एम लॉ वाला पोर्शन है, 8, 9, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 एंड 7, 6 तो आई थिंक छोटा सा चैप्टर है, 5 एंड 7 भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कंपनी लॉ आपने सारा करना है, 6 चैप्टर हैं उसको अच्छे से करना है, मोस्टली 15 एंड 16, ये 2 चैप्टर एंड 13, ये वाले चैप्टर लाजमी बहुत अच्छे से इनको करना है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और वो सिनेरियो बेस ही पूछेगा। उसके बाद जी, अच्छा आप इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, अगर आपके लेक्चर, मैंने कहा था 2 बातें आपसे करूँगा अगर तो लेक्चर, हाँ अगर तो लेक्चर आपके कंप्लीट हैं, अब तैयारी करनी है, अब दूसरी बुक्स भी आपके साथ हैं लेकिन हमने सिर्फ बिज़नेस लॉ को यहाँ पे देखना है, अगर तो लेक्चर हैं कंप्लीट तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी लॉ को प्रिपेयर करें, और ये नहीं कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 बता दिए, 13, 15 एंड 16। देखें आई कैप जो कैफ की जो स्टडी है उसमें क्रैमिंग नहीं होती कि आप 2 चैप्टर छोड़ देंगे, 3 चैप्टर छोड़ देंगे, क्योंकि इको में आपको चॉइस मिल जाती है लेकिन इसमें नहीं मिलती ना, यहाँ पे तो हर तरह से पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो आपने कंप्लीट आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें अभी से ही, उसको अच्छे से करें, ठीक है। उसमें अब इसको ये जो दिन चल रहे हैं यहाँ पर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक चैप्टर लें सर आसिफ की बुक यूज़ करें, ठीक है। सर आसिफ की बुक में पास्ट पेपर को साथ ही दिखा दिया गया है कि आई कैप ने पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन सर आसिफ बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर को प्रिपेयर करें, और चैप्टर का शेड्यूल प्रिपेयर करने का मैं ग्रुप्स में शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर कर दूँगा, ठीक है। आप चैप्टर प्रिपेयर करें, लाइक आपने चैप्टर नंबर 12 प्रिपेयर किया, 2 दिन में आपने उसको याद कर लिया, अब उसकी पहले जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व करें, क्योंकि पास्ट पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और आइंदा किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले कंपनी लॉ का पोर्शन, ये कोशिश करें कि कंपनी लॉ के जो 6 चैप्टर हैं इनको तकरीबन 15-20 दिन में कंप्लीट कर दें आप अच्छे से, इनको बाद में करने की ज़रूरत ना पड़े, फिर एग्ज़ाम के नज़दीक ही देखा जाए। अच्छा जी, अब रिमेनिंग टाइम में आपने 15-20 दिन में इनको कवर कर लें, ठीक है। अगर आप चाहे आप दूसरी बुक्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन इसको कवर कर लें कंपनी लॉ के पोर्शन को, जिस तरह मैंने बताया कि चैप्टर तैयार करें, फिर उसके पास्ट पेपर लिख कर देखें क्या क्वेश्चन पूछा है, और पहले उसको लिख के देख लें फिर मैच करें कि हाँ ये आया इसका जवाब यही बनता है या नहीं। अगर आपके पास पास्ट पेपर विद सोल्यूशन नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, ZEESSEEHII.com, इस पे जाएं और आपको वहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिख जाएगा, कैफ 3 के पोर्शन में जाके आप देख सकते हैं। फिर आते हैं एम लॉ की तरफ, एम लॉ में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, मोस्टली चैप्टर 8, 9 एंड 5 एंड 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स पहले इनको करें,
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 को करें। 9 बहुत बड़ा चैप्टर है, 8 भी बड़ा चैप्टर है, ये एजेंसी वाला है, ठीक है। एंड दूसरा यार मुझे नाम नहीं याद आ रहे, एक पार्टनरशिप वाला है और एक ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला है। पहले ये वाला करें, चेक वाला, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला, मोस्टली चेक वाले पोर्शन को लाजमी करें, ठीक है। फिर आप करें एजेंसी वाला, फिर आएँ पार्टनरशिप पे, ये 3 चैप्टर आपने पहले अच्छे से करने हैं। फिर आप जाएँ 5 पे, फिर आएँ 7 पे, 7 भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएँ और फिर 2, 3 और 4 को देखें। ये आसान क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ये आसान है, ठीक है। तो ये अपनी ज़रा स्ट्रेटजी बनाएं कि पहले जो है कंपनी लॉ पोर्शन करना है, फिर मर्केंटाइल लॉ पोर्शन पे आना है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, फिर दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाना है। लेकिन जो चैप्टर तैयार करना है उसके साथ ही उसके पास पेपर करने हैं और पास पेपर सारे करने हैं। एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी बुक उठानी है, एक 1500 एमसीक्यूज़ वाली सीए नोट्स की तरफ से आई थिंक बुक दी जाती है, उसमें काफ़ी जो है वह एमसीक्यूज़ के आंसर्स रॉन्ग हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मोस्टली कंपनी लॉ, मैं फिर नाम ले रहा हूँ, इसमें डेज, वीक, मंथ, 90 डेज़, 30 डेज़, ये याद रखने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखा जाए तो हम कौन सी बुक तैयार करनी चाहिए। आप फर्स्ट प्रायोरिटी आई कैप की बुक को रखें, ठीक है, कैप 3 में। उसके बाद अगर कोई बच्चा उसको समझ नहीं आ रही उसकी वर्डिंग, क्योंकि जो वहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, जब आप उसका आंसर करते हैं, यूज़ आपने लॉ वाले वर्ड्स करने वाले होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। वो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो सर आसिफ की बुक है, बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखी गई है, उससे आपको काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है। आज के दिनों में आप कैफ 3 को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपनी लॉ पोर्शन। कंपनी लॉ को उसे सर आसिफ की बुक से करें जो राइस की बुक है, और एम लॉ के लिए आप आई कैप की बुक चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, पहले चैप्टर तैयार करें, फिर उसके पास पेपर देखें, फिर उसी चैप्टर के एम सी क्यूज़ भी देख लें जो आपको फर्दर एडिशनल दिए गए हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, इसको तकरीबन आप कर लें पेपर से 10-15 दिन पहले, ख़त्म कर दें। ये जो एंड वाले जो दिन होते हैं सिर्फ उसमें फिर पास पेपर की डिस्कशन, या आप देखें मॉक दें, टेस्ट लाजमी दें, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट हो रहे हैं वो लाजमी दें। अब जो नेक्स्ट हाफ बुक के फुल बुक के मॉक्स होंगे वो उनमें लाजमी अपेयर हों। तो यही आज की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको आपकी स्ट्रेटजी कवर कर सकते हैं कि आपने किस तरह से उनको कवर करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।